चलिए, लॉकडाउन के बीच व्यवस्थाएं भी कायम हो रही हैं, सियासत भी जारी है और इसी सियासत में राहुल गांधी ने एक और वार किया है केंद्र सरकार पर। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों के साथ बातचीत करने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक तीर और छोड़ा। उबेर के एक ड्राइवर से उन्होंने बातचीत की है। उन्होंने बताया कि अच्छी बातचीत रही। राहुल ने उबेर चालक से उनकी और उनके जैसे कई अन्य लोगों को हो रही समस्याओं पर बात की। लॉकडाउन के कारण श्रमिकों की परेशानी राहुल गांधी तो क्या करें। 20 लाख करोड़ के पैकेज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नाम लिए बगैर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ड्रामेबाज कहा था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने मजदूरों के साथ बैठकर उनसे बात करके उनका समय बर्बाद किया। उन्हें मजदूरों के साथ सामान उठाकर उनके साथ पैदल जाना चाहिए था। वो राज्य जहाँ कांग्रेस की सरकार है उनसे क्यों नहीं कहते कि और ट्रेनें मंगाएं, मजदूरों को घर लेकर जाएं। सोनिया गांधी से कहती हूँ, पलायन कर रहे मजदूरों के मुद्दे को जिम्मेदारी से डील करना चाहिए। तरुण कालरा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।